सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है सबसे बेस्ट ब्लॉग अभी तक का, बिकॉज आज हम लोग जाने वाले हैं बर्फ में, और यहाँ पे होने वाली है बर्फ में पैरा ग्लाइडिंग। तो वीड विलिंग जाएंगे आज, और आज के ब्लॉग में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ रहा है। करेंगे अनीश भाई हमारी स्लाइड। थोड़ा सा जाने को बचाया नीचे। ये बात भाई, लड़की भाग ही नहीं रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आज के ब्लॉग में, और आज हम लोग जा रहे हैं बीड विलिंग, एंड वी आर ऑलरेडी लेट। तो आज अपने साथ है इशिता, ईशानी, और वीडियो बना रहे हैं हमारे अनीश भाई। तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ी है दोस्तों, और इस बार फुल मजा करने वाले हैं, मतलब मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो देखते जाओ दोस्तों। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ बर्फ में, बट ये जो तीनों भाई बहन बैठे हैं ना, ये रहते हैं बर्फ में शिमला जुब्बल में। तो कैसा होता है वहाँ पे एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। अच्छा। और इतना तो हमको भी पता है यार कि बर्फ में ठंड होती है, बट क्या होता है फील क्या। तो वहाँ पे बिलिंग में भी आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। ओके गाइस, सो चलो चलते हैं बिलिंग। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. और बैजनाथ में लग चुका था जाम, तो वहाँ पे हमारे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए थे, बट ग्रीन लाइट मिली है और जाम अभी खुला है। और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता बचा है बीड के लिए, फिर वहाँ से हमने लेनी है टैक्सी और वहाँ से सीधा जाएंगे बिलिंग। और बस अब यहाँ से जाना है हमने अपने भैया की शॉप पे, वहाँ पे करनी है कार पार्क और टैक्सी लेके निकलेंगे सीधा बिलिंग। दोस्तों फिलहाल तो हम लोग आ गए हैं अपने भैया के होटल पे, बट हमको यहाँ से जाना पड़ेगा टैक्सी करके, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अभी जाने नहीं वाली है, क्योंकि वहाँ पे हो गया मौसम खराब। तो अभी पार्किंग में लगाने वाला है ये गाड़ी। सामने है विलिंग, वहाँ पे जाएंगे हम लोग बर्फ में। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टू वीड विलिंग विद टैक्सी वाले भैया। सो चलो चलते हैं। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. Again. My future needing clarity. और ये हो रही है इंस्टाग्राम की रील। नहीं 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 तो
यहाँ से विलिंग है 14 किलोमीटर, बस गोल गोल घूम के जाना है और फिर सीधा बर्फ पे। तो चलो चलते हैं। दोस्तों अभी विलिंग है 7 किलोमीटर ऊपर, बट बर्फ नीचे तक आ चुकी है। तो इस बार पहली बार ही हुआ है कि बर्फ इतनी नीचे तक आई है। तो जाम लग चुका है बहुत भयंकर, आपको बताता हूँ मैं। फोन सिग्नल भी नहीं है भाई। ओ दोस्तों सामने है विलिंग और बर्फ में भी हो रही है पैराग्लाइडिंग। सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग और सामने है विलिंग। तो देखो बर्फ से ढकी है दोस्तों पूरी। ओ दोस्तों यहाँ पे फंस गई है गाड़ी। ये गाड़ी फिसल रही है भाई। बाप रे। हम लोग आ गए पैदल। भाई मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना, क्या बताऊं। और यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं से पैदल चलना स्टार्ट कर देंगे और जब जाम खुल जाएगा तो टैक्सी वाले भैया हमको मिलेंगे ऊपर। तो दोस्तों अभी है विलिंग ऊपर, कितना 3 किलोमीटर है ना अभी। हाँ अबाउट 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है और गाड़ी वाले ने तो मान लिया हार। तो अभी हम लोग को जाना है पैदल और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है भाई। और यहाँ पे मौसम भी इतना ठंडा हो रखा है ना, मतलब नाउ सी यू एट बिलिंग। यस अच्छा। दोस्तों चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और बर्फ है और इस साइड अनीश भी है कोहरे की ऊंचाइयों में। और अभी भी हमको चलने को है एटलीस्ट 2 किलोमीटर अभी और चलना है हम लोग। बाप रे। यार थोड़ी चलने में भी मुश्किल हो रही है और मौसम भी ठंडा है। तो नीचे तो मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है भीड़ वाली साइड, बस अभी तो यही है कि चलते जाओ। और ये भाई अभी गिरने से भी बचा है एक बार। चलो क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिलहाल लिए हमने मोमो की ब्रेक। सो अभी भी बिलिंग है यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर, तो काफ़ी चलना है। मैं तो मन कर रहा पहाड़ चढ़ जाऊँ यहाँ से। दोस्तों इतना चलने अभी भी पहुँचे नहीं है और सामने फंस गई है गाड़ी। तो रिस्की तो है यार व्हीकल को लाना, और हम तो फिलहाल चल ही रहे हैं। अभी कितना बिलिंग यहाँ पे दिख नहीं रहा। नहीं दिखेगा। चलो एक्टिका गाड़ी फंस गई है दोस्तों। अभी भी ऊपर है भाई, इतनी ऊपर जाना अभी भी हमें बताओ। और यहाँ पे चल रहा है बर्फ हटाने का काम एट द टॉप ऑफ बिलिंग, मतलब बिलिंग 1 किलोमीटर पीछे। और सामने पहाड़ को देखो दोस्तों,
बाप रे भाई, गिनने से बच गया मैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं चाइना के बॉर्डर में और हमारे सामने है बिल्कुल माउंट एवरेस्ट। हाँ ये कर लो पहले। ये सारा माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ऊपर देखते हो। फोग चेकआउट करो गाइस, फोग चेकआउट करो, व्हाट अ व्यू। सामने ऊपर है बिलिंग एंड वी आर सो क्लोज। चलो मिलते हैं सीधा बिलिंग में। है दो दो फुट बर्फ और ताजी बर्फ भी है दोस्तों। सो फाइनली वी मेड इट और पूरा यहाँ पे ना मतलब बर्फ से ढका हुआ है और पैराग्लाइडिंग टीम भी आ चुकी है। मौसम भी साफ हो रहा है, ये देखो पैराग्लाइडिंग बताते हैं भाई तुम्हें बर्फ में यहाँ पे। दोस्तों पैराग्लाइडिंग होने वाली है। वी आर फाइनली हियर इन वीड बिलिंग। सारा बर्फ से कवर है भाई और आंखें तो खुल भी नहीं रही हैं, चश्मे लगाए तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एंड यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होने वाली है तो पैराग्लाइडिंग तुम लोगों को बताते हैं अभी हम। अरे नहीं भाई, भाई गिनने से बच रहा हूँ मैं, बताओ। एंड चलो थोड़ा पीक पे जाने की कोशिश करते हैं और पैराग्लाइडिंग सामने होने वाली है तो पैराग्लाइडिंग भी बताएंगे और मौसम भी काफी अच्छा है, ट्राई करते हैं आपको बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाएं। हाँ और रुको मैं बताता हूँ। रिस्की भी बोल ही सकते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। वाह क्या सीन है। पैराग्लाइडर ने भर ली है उड़ान इसी वाले बर्फ में एंड ये भी रेडी होने वाले हैं। रुको मैं तुम्हें क्लोज से पैराग्लाइडिंग बताता हूँ दोस्तों। वाह क्या सीन है दोस्तों। तो बिहाइंड मी अभी पैराग्लाइडिंग होने वाली है तो बताता हूँ आपको व्यू। और यहाँ पे ना मतलब बारी बारी सारे पैराशूट बिछते जा रहे हैं और दो तीन बंदों ने तो पैराग्लाइडिंग कर भी ली है तो अभी ये वाले भैया पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं तो चलो देखते हैं। एंड हियर गोज भाई, पूरे मतलब फोग है भाई हर जगह फोग, फिर भी पैराग्लाइड नहीं क्रैश। अरे भाई तो यहाँ पे भी होने वाली है लड़की की पैराग्लाइडिंग, देख ही लेते एक बार। अच्छा ऑल द बेस्ट का इशारा हमने दे दिया है। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों फाइनली लड़की भी रेडी है एंड ये भैया हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे और अनीश भाई भी पूरा आनंद ले रहे हैं आई व्यू का। और हाथ ना मतलब पूरे सुन्न हो गए बाप रे। और वहां पे फोग ही फोग है भाई पूरा, देखो ये बात भाई लड़की भाग नहीं रही है। अरे 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 ओ ओ भाई ओ। दोस्तों यहाँ पे पड़ चुकी थी सारी जगह फोग, कुछ दिख भी नहीं रहा था चश्मे के बिना, चश्मे से थोड़ा दिख भी रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो। कोहरा है सब जगह और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने और पैराग्लाइडिंग का मूड तो बना था बट अभी फोग आ गई है सारी तो बाकी लोग भी मना कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं सामने वाली पहाड़ी पे। एंड क्या मोए मोए वाली रील। यस दे शर्म शर्म करो शर्म। तो ये है सीढ़ियां एंड गाइस हाथ तो पूरे सुन्न हो चुके हैं। तो अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ रहा है और ऊपर से करेंगे अनीश भाई हमारे स्लाइड। भाई नीचे से आ रहे हैं, पूरा सांस चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट की चोटी में। चोटी आई नहीं आई चोटी में सांस चढ़ गई है बताओ। वाह क्या सीन है। ओह मम्मी रे देखो देखो
दोस्तों तो टाइम हो गया 5:30 और अभी हमको निकलना है घर के लिए। मौसम भी ख़राब हो रहा है तो बिलिंग में पहली बार आया था जब बर्फ़ होती है तो मज़ा भी काफ़ी आया। बाइक गिरने से जा रहा हूँ, मज़ा भी काफ़ी आया। और बाकी के ये लोग भी अभी धीरे धीरे निकलने हैं तो गाइस चलो निकलते हैं फिलहाल। और आओ यार, यहाँ पे अच्छा प्लेस है भाई, इस टाइम ही होती है बर्फ। आओ घूमने, पैराग्लाइडिंग करो, फुल एंजॉय करो। सो वी आर एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। अरे बस कर भाई मतलब सामने वाली पहाड़ी है बिलिंग, मतलब बिलिंग से टॉप पे हम लोग बोल सकते हैं जो सामने वाली पहाड़ी है। और यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह हम लोगों ने करी। सो अब फाइनली टाइम आ गया घर जाने का तो चलो। इन लोग की चलने की हिम्मत नहीं है भाई। चलो भाई चलो, अब भी चलो, यहाँ से चलना है तो मुझे सेल्फी में बना दो। ओके चलो, फाइनली नीचे जाके हो नहीं रहा है, फिसल रहे हैं बार बार। पूरी कोशिश लाल ना हो जाए बाकी भाई बोल रहा है कि इसके लाल ना हो जाए बाकी भाई थोड़ा सा जाने को बचा है नीचे। अरे नहीं भाई उप मोमेंट हो गया था थोड़ा। अंदर बनी हुई रखी है। क्या सीन है? प्योर सेंटा क्लॉज इज हेयर। हाँ सॉरी, सेंटा क्लॉज इज स्नोमैन। अच्छा है मजा? यस बिल्कुल। आपको भी आया? बाप रे क्या मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। यार तो ढंग से बाय करनी होती है, ऐसी थोड़ी ना करनी होती है। बाय बाय। सो ठीक है गाइस, आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड बाय बाय बिलिंग, बाय। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। सो everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I go, never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if...